राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना के माध्यम से किसानों को उनकी विभिन्न कृषि उपज का उचित मूल्य मिलने से किसानों में खुशी की लहर है। पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के माध्यम से चल रही इस योजना से जुड़े किसानों को कहना है कि उन्हें इस बार कपास की फसल का भरपूर मूल्य मिला है। कृषि उपज मंडी रायसिंह नगर के सचिव महिपाल का कहना है कि कपास के अच्छे रेट मिलने के कारण ज्यादातर किसान अब मंडी के माध्यम से अपनी फसल के बेचान के लिए आ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहित ईनाम पोर्टल पर अपना कृषि जिन्सों का फसल ज्यादा से ज्यादा विक्रय करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक कृषक उपहार योजना भी संचालित लागू की गई है, जिसके अंतर्गत कोई भी किसान मंडी यार्ड में ईनाम पोर्टल पर अपनी फसल का बेचान करता है और अपना ई भुगतान प्राप्त करता है तो उसमें 25,000 रुपये प्रथम पुरस्कार है जो 6 महीने में एक बार खुलेगा, ताकि इसका मतलब साल में 2 बार उपहार योजना लागू की गई है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 25,000 है, द्वितीय पुरस्कार 10,000 है, 15,000 है और तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त इस यही योजना जिला स्तर पर भी है, जिसमें जिले की जितनी मंडियां हैं उनमें भी जो किसान जो उपहार योजना पर भाग लेंगे उनको वहां पर भी बेनिफिट मिलेगा और साथ ही राज्य स्तर पर भी साल में एक बार स्कीम उसका लॉटरी निकलेगी, जिसमें प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपए है, द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपए है और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए है। ई नाम योजना के अंतर्गत किसान जब गेट में एंट्री करता है तो एक कूपन निकलता है, जिसमें से 25,000 पहला इनाम है, 15,000 दूसरा इनाम है, 10,000 रुपये तीसरा इनाम है। वो कोई भाग्यशाली किसान होता है जिसको निकल जाता है, अच्छी योजना है ऐसी। पहले काफ़ी कम थे और खर्चा भी बहुत बड़ा पड़ता है इस नरमे पे और इसलिए ये भाव लगभग 10,000 के आसपास है, बहुत अच्छा भाव है मिल रहा है और इससे संतुष्ट है जमींदार भी सारे।